हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 11 बजे से। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी ना, बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मैं हमने सिर्फ फैन ऑन किया था, हमें कूलर ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बावजूद इतनी ठंड लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ठंड का मौसम आ गया। आज का जो मौसम है ना, मुझे इस टाइप का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसे मौसम में आप आराम से सारा काम कर सकते हो और ऊपर से फिर रेडी हो भी सकते हो थोड़ा सा। ये मौसम में तो काम भी नहीं होता ठीक से और आपको रेडी होने का मन भी नहीं करता। तो आज आप देख रहे हो कि आज मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज मुझे मौसम इतना प्यारा लग रहा है कि आज रेडी होने का पता नहीं क्यों मन ही कर रहा था। तो गाइज, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा है। गाइज, मैं आ गई ऊपर छत पे आप लोगों को आज का मौसम दिखाने के लिए। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अब मुश्किल से 11:30 बज रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो गाइज, वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। रुकिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मौसम इतना अच्छा है ना कि सब मौसम का लुफ्त ले रहे हैं। तो गाइज, जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि अब मेरे खाना बनाने का टाइम होने वाला है। तो मैं जाती हूँ और बनाती हूँ खाना। कल मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नया गैस स्टोव लगा लिया। तो अब नए गैस स्टोव की हालत कुछ ऐसी हो रही है, आप देख रहे हो कि ये साइड साइड से ना एक ही दिन में जलने लग गया। जैसे लगता है कि ये जल जल के पूरा काला ना हो जाए। तो देखते हैं, अगर वॉश करने से थोड़ा सा निकलेगा तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये निकलने वाला है, क्योंकि गैस में ही पूरा खाना बनने वाला है। तो इसकी प्लेट्स तो जलेगी ही और काली होगी ही। आज मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो आज थोड़े से ही बर्तन है बट वो रखे हुए वॉश करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले मैं वो भी काम खत्म कर देती हूँ। तो गाइस, मेरा बर्तन धुल चुका है और अभी मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी। एक्चुअली जो हमारा नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वो अभी खाली है, तो उसे रेंट आउट करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर खिड़की से अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ कि वो कब आएंगे। मैं आपको इस घर का प्लस पॉइंट बताती हूँ कि जब से हम इस घर में आए ना, तब से हमें गाय, भैंस, बकरियाँ, घर के सामने तालाब और इतने सारे पेड़ पौधे और इतना अच्छा वातावरण मिला ना, जो बोलते हैं ना कि नेचुरल वाइब्स, जो मतलब ताज़ी हवा जो चाहिए रहती है हमें, जो हम एकदम शहर के बीच में रहते हैं और जो हमें नहीं मिल पाता, जो नेचुरल वाइब्स नहीं आ पाती, तो वो हमें इस घर में आके मिला। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इस घर में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मीन्स जो अंदर से जो खुशी होती है ना, कि आप जब मन कर रहा है आप छत पे चले जाओ, आपको इतनी सारी ग्रीनरी दिख रही है, आपको तालाब दिख रहा है, आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आपको एकदम ताज़ी हवा आ रही है, वो भी ये सब चीज़ आपको सिटी में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इस घर का बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। वो चीज़ें हम छोटे थे तब देखते थे, और बड़े होने के बाद वो सारी चीज़ें हमें सिटी पे दिखाई भी नहीं देती। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, बट ना मैं वो सारी चीज़ें ना कैप्चर करना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो सारी चीज़ें देखने में लग जाती हूँ। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कौन कौन सी चीज़ें मुझे देखनी अच्छी लगती है यहाँ। आई होप कि बहुत सारे लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे।
तो गाइस खाना बनाने से पहले बांध लिए हैं मैंने अपने बाल, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि खाना बनाते समय बाल खुले नहीं रखने चाहिए, और मेरे बाल तो अभी फिर भी झड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं और खुले नहीं रख सकती, तो इसीलिए मैंने कर लिया है पूरा अपने बालों। आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। वो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अब मैं थक गई हूँ और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी देर रेस्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड अभी आए थे उनको लेके, जिनको रेंट पे घर चाहिए था, तो हमने उनको घर दिखा दिया है और उन्होंने फाइनल भी कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि वो एक दो दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक नीचे की साफ सफाई करवानी है। तो गाइज जो नीचे का एक वॉल है ना, तो उसका जो पेंट है वो उखड़ गया है, तो उसका भी काम करवाना है। तो देखते हैं कि एक दो दिन में अगर काम पूरा हो पाता है तो। रेंट में देने से पहले जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी, तो मैं आपको नीचे का भी फ्लोर दिखाऊंगी। ये ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट ये है कि नीचे एक हॉल बना हुआ है और ऊपर रूम बना हुआ। नीचे का किचन है ना वो पहले से बना हुआ था, तो उस पर टाइल्स वगैरह लगी हुई है, और ऊपर का किचन बाद में बनाए हैं। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नीचे भी रह सकती थी, बट इसको जब मैं 4 साल तक के जो रेंट पे रहती थी, तो वो मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ पे ना मुझे बहुत बन बन सा फील होता था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम जब भी ये घर छोड़ के कहीं भी जाएंगे तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहूँगी, इसलिए मैंने ग्राउंड फ्लोर में रहने से मना कर दिया। सो गाइज आज मैंने खाने पर क्या बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है राइस, ये पत्ता गोभी आलू की सब्जी, दही और ये पालक दाल। अभी हो रही है शाम और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, और मैं खाने वाली हूँ चाय और पराठे। गाइज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइज।